दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जिसके बारे में सुनकर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कुदरत ने इतना सुंदर दृश्य हमारे लिए बना दिया है। दोस्तों, ये सभी जगह कुदरत की देन है, पर इंसान कुदरत को ही मिटाने में लगा हुआ है। फिर भी उसमें से बहुत ऐसी जगह है जिसके बारे में हम आज वीडियो के सहारे आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सभी जगह कब और कैसे बनी, चलिए जानते हैं। बस आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दे। नंबर एक पर है पमुक तले। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस की बात आती है तो हमें सबसे पहले पमुक तले का नाम ही सुनाई देता है। तुर्की का ये प्लेस अपने नेचुरल स्विमिंग पूल की वजह से दुनिया भर में काफी फेमस है। शायद आपने इस जगह को कई फोटो और फिल्मों में देखा होगा। कुछ ही सालों पहले बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, उसका एक सॉन्ग यहाँ पर शूटिंग किया गया था। वो सॉन्ग था तू जाने ना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सॉन्ग देखा होगा और सुना होगा। ये कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो आज भी हमारे बीच में मौजूद है और यहाँ पर जाने के लिए नसीब लगते हैं। और दोस्तों, इस प्लेस को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ पर हर साल जाते रहते हैं। अब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको वहाँ पर जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना चाहोगे। नंबर दो पर है रिचा स्ट्रक्चर। कुदरत का बेमिसाल नमूना कहा जाने वाला इस रिचा स्ट्रक्चर के रहस्य के बारे में आज भी विज्ञान पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये स्ट्रक्चर कैसे और कब बना। करीब 25 किलोमीटर के एरिया में फैला ये रिचा स्ट्रक्चर ये कुदरत का बेमिसाल नमूना भी कहा जा सकता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये उल्का पिंड गिरने की वजह से ये स्ट्रक्चर बन गया है। वहीं पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भूकंप के कारण ऐसी झील का उत्पन्न हुआ है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि यहाँ पर एलियन आ चुके हैं और ये उसके निशान है। पर विज्ञान आज भी उस पर खोज कर रही है। मुझे आज तक ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि वो साबित कर सके कि आखिर ये स्ट्रक्चर कैसे बना। दोस्तों, ये इतना विशाल है कि आप इस जगह पर खड़े होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं उस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हूँ। अगर आप हवाई जहाज से देखेंगे तो ये नज़ारा आपको साफ दिखाई देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आखिर बना कैसे होगा, जो कि विज्ञान तक इसका पता नहीं लगा पाई और दिखने में कितना खूबसूरत है? तो इसके लिए लाइक करना ना भूले। नंबर तीन पर है सेटनिया तस्केन। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। इटली में मौजूद ये जगह टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट है और यहाँ पर दिन भर में हजारों लोग आते हैं और इस नेचुरल स्विमिंग पूल का मजा भी उठाते हैं। हॉट प्रिंस के नाम से जाने जाने वाला इस स्विमिंग पूल का पानी नीले रंग का दिखाई देता है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर 12 महीना गर्म पानी ही आता रहता है। दोस्तों, इस जगह के बारे में कई खगोल शास्त्रियों का कहना है कि यहाँ पर पहले ज्वालामुखी हुआ करता था। साथ ही मैं आपको एक मजेदार बात बता दूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर स्विमिंग करने का कोई चार्ज नहीं है, बस आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन जाना चाहेगा और किसके साथ। इसके बाद नंबर चार पर है फ्लाई गीजर नेवादा। नेवादा में एक नेचुरल फ्लाई गीजर बना हुआ है जो कि 1964 में एक कुएं की खुदाई के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस गीजर की लंबाई 5 फीट तक की है और चौड़ाई 12 फीट तक की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें प्राकृतिक तौर पर हीट एनर्जी निकलती रहती है। ये फाउंटेन नुमा गीजर दिखने में कितना खूबसूरत है जिसका अंदाजा आप वीडियो देखकर नहीं लगा सकते। दोस्तों, कहा जाता है कि भविष्य में यहाँ पर ज्वालामुखी फटने का भी चांस रहता है और मजे की बात तो ये है कि इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। आखिर इसके नीचे ऐसा क्या रहस्य है जो वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाई? तो दोस्तों, इस खूबसूरत फाउंटेन के लिए लाइक करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।